खबर अंबेडकर नगर जनपद से, जहां मुबारकपुर रसूलपुर में शासन के निर्देशानुसार आज प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर होमगार्ड विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में श्री राम सूरत मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में वृक्ष ही धरा का भूषण एवं जीवन का आभूषण है व्यक्त करते हुए वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। उक्त अवसर पर भाजपा नेता राधे वर्मा, रिंकू वर्मा, विजय पाल, नितेश पाठक, जिला कमांडर चंद्र प्रकाश शुक्ला, आनंद यादव, अरुण सिंह, सहंसा हुसैन, केशव राम वर्मा, आकाश मौर्य आदि उपस्थित रहे। अमेटकनगर जनपद से कृष्णा पाठक की रिपोर्ट। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर विविध प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सरकार ने सरकारी महकमों के अलावा तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी निवेदन किया है कि ऐसे पुनीत अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जो जनता के हित में हों, प्रेरणादायी हों, नौजवानों को मार्गदर्शन करने वाले हों। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की तरफ से, अंबेडकर नगर जनपद होमगार्ड विभाग की तरफ से आज रसूलपुर मुबारकपुर में इस सुंदर तालाब पर वृक्षारोपण करने का जो आयोजन किया गया है, उसमें निश्चित तौर पर वृक्ष वो जनजीवन को एक सुव्यवस्थित करने का माध्यम है। आज आप देखते हैं, अभी पिछले दिनों कोरोना का संकट था, कोरोना के संकट में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो वृक्ष लगा करके यह विभाग संपूर्ण समाज को एक दिशा देने का काम करने जा रहा है कि वृक्ष लगाएं, जीवन पाएं, वृक्ष धरा का भूषण है, इस नाते वृक्ष की सुरक्षा संरक्षा करने का भी काम हम सब लोग करें, और यह ऑक्सीजन देने वाला है, जीवन बचाने वाला है, इसकी सुरक्षा करने का भी काम किया जाए। इस नाते इस विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके हमारे जिले के आला अधिकारी हैं, यहाँ टांडा के यहाँ के भाई हमारे सहनसा भाई हैं, इन सारे लोगों ने मिल करके ये जो कार्यक्रम किया है निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है, और मुझे इन लोगों ने आमंत्रित करने का काम किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मैं बधाई भी प्रेषित करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।